Family. There he goes again. That's it. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बिग बैश के हवाले से है कि पाकिस्तानी तीन पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो बिग बैश का एनओसी इशू कर दिया गया है आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। इन खिलाड़ियों में जो आजकल खबरों में जो हर टाइम नजर आ रहे हैं, खबरों की एक तरह से जीनत बने हुए हैं, बल्कि जीनत अमान बने हुए हैं, हारिस रऊफ, उनको एनओसी इशू किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के धुआंधार धमाकेदार जो ऑफ स्पिनर है, बल्कि लेग स्पिनर है, बल्कि पता नहीं कौन से स्पिनर है, क्योंकि बॉल तो स्पिन होती नहीं है इनकी, सामा मीर, इनको भी एनओसी दे दिया गया है। और तीसरे पे जमान खान को, सामा मीर और हारिस रऊफ को जो है 5-5 मैचेस के लिए एनओसी दिया गया है, जबकि जमान खान को 4 मैचेस के लिए एनओसी दिया गया है। 7 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये बिग बैश चलेगी और उसके दरमियान में ये इनके मैचेस हैं। पीसीबी की जो स्टेटमेंट आई है उसमें उन्होंने कहा है कि जी वर्कलोड जो इनका था उसको मैनेज करते हुए इतने इतने मैचेस का इनको एनओसी दे दिया गया है। हारिस रऊफ जो है जो कि टेस्ट के लिए लास्ट मोमेंट पे अपने आप को उन्होंने अनअवेलेबल कर दिया था, खैर बिग बैश के लिए अवेलेबल हो गए हैं। और आजकल काफी कंट्रोवर्सी चल रही है उनकी भी कि यार आप पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट मैच खेल रही है, आपको टीम जो है वो बुला रही है और आप कह रहे हो कि यार मैं अनअवेलेबल हूँ, मेरी बॉडी जो है वो ये मैनेज नहीं कर सकती। और ऑल ऑफ अ सडन नेक्स्ट डे आप जो है वो एनओसी के लिए अप्लाई कर देते हैं बिग बैश लीग के लिए। तो यार ये वही मजाक ही चल रहा है क्रिकेट के साथ। आप दो कह लो कि ओवर्स अच्छे क्या करा के सुपरस्टार जो थोड़े बहुत बन जाते हो तो साथ ही आप बात से बाहर हो जाते हो कि यार आप टीम से भी बड़े हो गए हो। और इसके बाद क्या सामा मीर की क्या ही बात करें, वो तो अच्छा है बिग बैश या जॉन से भी बैश खेलना है वो खेलते रहे और टीम से दूर ही रहे, टीम में और बड़े लोग गए हैं उनकी जगह लेने के लिए। और पीछे तीसरे नंबर पर जमान खान है, जमान खान को जो है वो सब्स्टिट्यूट में इन्होंने रखा हुआ था। वर्ल्ड कप के अंदर भी इन्होंने जो अनफिट प्लेयर्स थे उनके सब्स्टिट्यूट में रखा गया था, ट्रेवलिंग सब्स के अंदर थे, तो उनका तो चले अच्छा है, उन्हें एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, तो उसके बाद वो टीम के लिए कारामद भी हो सकते हैं। आज की वीडियो बस यही न्यूज़ थी जो आप तक पहुंचानी थी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Family. There he goes again.